Hey guys, welcome back to my channel, The Jolly Cuckoos. So guys, कुछ दिख रहा आपको? क्या लगता है मैं कहाँ पे आ गया हूँ? कुछ लग रहा आपको? बड़े नारियल के पेड़ दिख रहे? So guys, मैंने अभी लैंड किया है गोवा में. मैं बहुत टाइम बाद गोवा आया हूँ और ऑलमोस्ट 3 साल हो गए मेरे को गोवा आए हुए. कोविड की सिचुएशन थी तो आप भी जानते हैं कि कोविड में कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था और मैं आया हूँ बेसिकली 7 नाइट्स के लिए. तो मैं आपको 7 नाइट्स का अपना पूरा जर्नी दिखाऊंगा, जिसमें से 3 दिन मैं रुकने वाला हूँ अलीला दीवा रिजॉर्ट में, विच इज़ इन साउथ गोवा. सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर ओनली साउथ गोवा. और साउथ गोवा में बहुत सारे ऐसे बीचेज़ हैं जो बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड सॉर्ट ऑफ बीचेज़ हैं. जैसे यहाँ पे बटरफ्लाई बीच है, हनीमून बीच है और कई सारे बीचेज़ ऐसे हैं जो एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं किए हुए लोगों ने. तो मैं यहाँ पे आया हूँ. अभी मेरा 3 दिन का इवेंट है, एक ब्रांड समिट है जिसमें मैं आया हूँ. देन आई विल बी मूविंग टू, देन माय वाइफ विल आल्सो बी जॉइनिंग, देन विल बी गोइंग टू डिफरेंट बीचेस. बारिश हुई है यहाँ पे आज, बहुत बढ़िया और मौसम बहुत ही प्लेजेंट है. होटल भी है यहाँ से कितना दूर है? होटल लगभग 1.5 घंटा लगेगा. अच्छा, आपका नाम क्या? अपना नाम बता दीजिए. मेरा नाम शैलेश है. शैलेश जी, शैलेश गोवा वाला लोकल टैक्सी ड्राइवर. अच्छा, लोकल टैक्सी ड्राइवर, ओके. और आप जहाँ भी जा रहे हैं साउथ है, हाँ, ये बीचेस में आपको 3rd बीच गिरता है. पहला जो बीच आता है उसका नाम वेलसा है, बाद में आता है उतोड्डा, माजोड्डा और माजोड्डा के बाद और एक बीच मिलता है जो है कोलवा, विच इज लाइक इट इज ऑपोजिट मिरर बोलते हैं कलंगुट साउथ गोवा में. नॉर्थ गोवा में लोग कलंगुट में जाते हैं तो यहाँ पे लोग साउथ गोवा में जाते हैं कोलवा में. आफ्टर दैट और 4-5 बीचेस है और लास्ट बीच ये बेल्ट का है मोबर, जो लीला होटल उसका लास्ट एंड में आता है. अच्छा, मेरे को आप गाइस आपने सुना होगा, शैलेश जी ने बताया कि साउथ गोवा कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से बीच से स्टार्ट होता है और कौन से बीच पे खत्म होता है. तो शैलेश जी ये बताएंगे कि मैं ना साउथ गोवा में ही रुक रहा हूँ. okay. और मैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज में रुक रहा हूँ. yeah. तो आप थोड़ा सा मेरे को गाइड कर सकते हैं? पहले तो मैं रुक रहा हूँ अलीला दीवा में. गुड प्रॉपर्टी, लाइक इट इज ऑलवेज फेमस फॉर वेडिंग डेस्टिनी बोलते हैं. अलीला दीवा बीच, हॉलीवुड बीच एक होटल है, बाद में हॉलीडे इन है. दिस वेरी नाइस लोकेटेड ऑन द बीच प्रॉपर्टी है. ओके, सो गाइज आपने सुना होगा ये डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए होटल जनरली यूज होता है, लेकिन मैं जो जा रहा हूँ वो इवेंट है मेरा, जो ब्रांड समिट है जिसमें डिफरेंट कंपनीज के CMOs आ रहे हैं और 3 दिन का हमारा ये फुल्ली पैक्ड इवेंट है. और उसके बाद आई विल बी मूविंग टू. शैलेश जी ये बताइए, उसके बाद नोवोटेल कहाँ पड़ेगा मेरे को? नोवोटेल में जाना है. होटल कलंगुट में आता है. नहीं नहीं, नोवोटेल साउथ गोवा. नोवोटेल साउथ गोवा में डोला सिल्विया. ओके, डोना सिल्वर वही मोबर में आ गया. मोबर में ही है वो. अच्छा बीच है. अच्छा बीच है. इट्स एंड पार्ट बीच बोलते हैं ना. वेरी वेरी वाइट सैंड बीचेस एंड वेरी कूल एंड वेरी काम बीच लाइक, बट नॉट सो मच लाइक डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है. इट इज लाइक मोर मोस्टली लाइक कैथलिक ओरिएंटेड प्लेस बोलते हैं ना. यहाँ पे कैथलिक लोग ज्यादा है. जी जी, तो वहाँ चर्चेस वगैरह भी काफी. ये सालसेट एरिया में पड़ते हैं, सालसेट तालुका बोलते हैं ना. अच्छा अच्छा एरिया ना, व्हाइट सैंड बीच. व्हाइट सैंड बीच इज वेरी नाइस. सो गाइस, रोड्स आर मच लाइक टाइनी रोड्स बोलते हैं ना, छोटे ज्यादा चौड़े रोड. ओके, सो गाइस उसके बाद मैं जाऊंगा 3 दिन यहाँ पे स्टे करने के बाद आई विल बी मूविंग टू नोवोटेल और नोवोटेल में फिर मैं स्टे करने वाला हूँ. और शैलेश जी ने बताया कि वहाँ के व्हाइट सैंड बीचेस हैं और मोबोर में पड़ता है. मोबोर है ना शैलेश जी? MOBOR मोबोर बीच एरिया है वो, जहाँ पे वो पड़ता है. और बहुत ही क्लीन है शैलेश जी के हिसाब से, बहुत ही. बिकॉज साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, साउथ गोवा जो बेसिकली है वो बेसिकली आपका आता है हैपनिंग प्लेस, कि अगर आपको वहाँ पे नाइट लाइफ एंजॉय करनी है सो यू शुड विजिट साउथ गोवा. नो, नाइट लाइफ, सॉरी नॉर्थ गोवा, सॉरी आई एम सॉरी नॉर्थ गोवा. अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, आपको टीटोस जाना है या फिर आपको डिफरेंट जो वहाँ पे नाइट क्लब्स हैं, कैसीनो जाना है, तो आपको नॉर्थ में जाना चाहिए. और अगर आपको जाना है पीसफुल गोवा, अगर आपको रियल ब्यूटी देखनी है गोवा की, देन यू शुड गो टू विजिट साउथ गोवा. साउथ गोवा इज द प्लेस फॉर यू इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द रियल गोवा, द रियल ब्यूटी ऑफ गोवा. क्यों शैलेश जी, मैंने ठीक बोला ना? आफ्टर दैट इट कम्स लिव्ड अवे फ्रॉम दिस बीचेस आर लाइक आप बोल रहे ना बटरफ्लाई बीचेस. बटरफ्लाई में
Butterfly Beach is known as the Pazolem Beach. After that, it closed by its Agonda. It's one of the best beaches, rated one of the best beaches in Asia for magazine. So, वो भी है और उसको लग के काब्दी रामा फोर्ट है. आपको बताना चाहता हूँ नोवोटेल के बाद आई विल बी मूविंग टू केप गोवा. एक होटल है, रिजॉर्ट है, केप गोवा पड़ता है वहाँ पे, कैपोडीरामा में, काबोदी गोवा में. केप गोवा एक रिजॉर्ट है जो वहाँ पड़ता है. सो दैट इज राइट ऑन द सीशोर, तो जो बिल्कुल समुन्द्र के ऊपर वहाँ पे रूम्स है. तो उसके बाद मैं वहाँ पे मूव कर जाऊंगा टू नाइट्स के लिए. तो शैलेश जी और कुछ बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को कि अगर आप गोवा आते हैं तो गोवा में, साउथ गोवा में क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं? साउथ गोवा इट्स मोस्टली लाइक कूल बीचेस वी कॉल इट, वाइट सैंड बीचेस. स्पेशली इन साउथ गोवा इट्स नॉट सो मच हैपनिंग, बट फॉर इन साउथ गोवा यू कैन हैव मोर रिलैक्सेशन लाइक नाइट लाइफ. नाइट लाइफ में देयर इज वन ओनली वन डिस्को, दैट इज कॉल्ड टीटोस इन रेडिसन. रेडिसन बिलीव इट इज कॉल्ड. तो वहां पे एक नाइट लाइफ में नाइट डिस्को, ये रेडिसन वही वाला जो है जो साउथ गोवा वाला रेडिसन है. साउथ गोवा रेडिसन, उसमें टीटोस है. टीटोस है, टीटोस वन डिस्को इज देयर. एंड उसके बाद फेमस रेस्टोरेंट है फिशरमैन वाफ, which is the oldest one. Then you can get one more famous restaurant is Martin's Corner, which is in Mazota. Aapke hotel se bhi 1 km duri pe, not 1 km, just 100 meter duri pe. Kaun the kaun se Alila Diva se? Yeah, Martin's Mazota Beach, which is authentic for fish restaurant and authentic for. I have eaten there because in 2010 I stayed in Alila Diva. 100 meters away from. Yeah, I know. So it is very nice. So you can go there. So the close by city is Margao city. So you can go for Margao, but it is very busy. Understanding about Goa. I mean, how the Goa has been divided into two, three parts. Okay. I mean, one is South Goa. Goa is divided into two parts. Like, one is South Goa, one is North Goa. So, usually in Goa, it's very small. So, you just have 40 MLAs. So, there are just two MPs, South and North Goa. So, Goa is divided from Panjim side. Where the Panjim capital comes, Goa is divided into North and South. When you cross the Panjim bridge, you go to North Goa. When you come before that, it is South Goa. So, in South Goa, you have all like Dusagar, then Old Goa churches, temples, spice plantation, then Panjim city, then old city, that is called Mala Fontanes, then there is a Dona Paula, then is Miramar, Governor's Palace, Altino, where the all CM residence is there. So, the GMC, main hospital of Goa. So, a lot of activities, Shamprasad Mukherjee, and there are some few close by hotel, 5-star, close to capital also. Which is Grand Temple, Grand Hyatt. Then comes Shivaji Goa, Marriott, Fortune Plaza is there. So Taj Vivanta is in Panjim only. And if you stay in North Goa, you can get a lot of boating activities. Nightlife is ample. You can go throughout the night, like till morning 4 o'clock, no problem. You can enjoy discos. There are so many discos, and especially these places are famous for nightlife in Anjuna and Magadur, where you can visit. Lot of live music that are going throughout the area, like so it is also very nice. So, but if anyone wants to visit the churches, the old famous churches, that is where Old Goa Church, which is there is a body of Saint Francis. Yeah, area. So you can visit that and close by, because most probably when you go by taxi, this driver, if you tell them, only then they show you extra 3-4 churches. Is away from them. Away means like 1 kilometer in a diameter of 1 kilometer. So you can go there also, which is very nice also in my opinion. Yeah. So a lot of shooting takes place in those areas, like St. Augustine Tower. There is one more church called, it's on the hill, like, so that also you can visit. Yeah. So that is also very really nice, like. Yeah. And what do you suggest for a couple who is staying here, or maybe a family who is staying here for a few days? Plan your holidays in a such a way, because most probably when you come to casinos in India, in Goa only you can get a live casinos. And second thing, you can go for Dusagar waterfall, which is open from 2nd of October, not now, right now, because it's raining heavily, so the jeep can't travel by that river, like. So you can go to Dusagar waterfall, one day you can go to casinos, one day you can go to Arambol. Well, people want to see foreigners, nowadays foreigners are rare because of chartered flights are shut down. So you can go to Arambol, Mandrel, which is also white sand beaches, but you can find lot of foreigners residing there for 6 months, 3 months, playing their own music.
selling some items. Then I think flea market is not open in Anjuna, so you can go in Anjuna, where is also very nice, Anjuna side. So you can go to Anjuna flea market. In Vagathur you can find there are a lot of discs which are open, like waters, then pink martini. We are going to the main valley, like the house where the beach can start. Where the beach? Where the beach starts from this area. So blessed. Like, the Velsa. And this area is very famous for their, like, you know, there are a lot of Portuguese houses in this area. Okay. And especially, you can feel the real Goa in these areas, like. Still Portuguese are living here? No, not at all. Not at all. But you can find a lot of Portuguese houses which they left long back, like. Okay. So these are beach area, like. This is the beach, all the beach starts, like, all coconut plantation. Most probably everywhere, like. So guys, आप देख सकते हैं सामने की रोड. सो ये है रियल गोवा. इवन इन द इवनिंग टाइम व्हेन यू आर ऑन द बीच इन द साउथ गोवा यू कैन सी द लाइव फिशिंग एक्टिविटीज गोइंग ऑन वेयर द फिशरमैन लोकल फिशरमैन डू द ट्रेडिशनल फिशिंग बाय नेट लाइक पुलिंग विद द नेट लाइक एंड यू कैन विटनेस दिस फॉर नाउ एम्पल फिश कैच इज देयर लाइक मैकरल किंग फिश प्रॉन. सो इन द इवनिंग टाइम इफ यू आर इन साउथ गोवा डू विजिट द बीचेस एट द इवनिंग टाइम सो यू कैन फील the local fishermen, how they do the fishing activities. So it's really nice to experience that fishing in the evening time, most probably or early morning time. Okay. Yeah. So this is the... So guys, ye hai beauty, South Goa. This is the Velsao beach. The roads go through the Velsao. Okay. So, and there is one more church, there's called Three Kings Church on the top of the hill, where we call the haunted place. After 6 o'clock, no one goes. Night what day. Is the name of the church? Three Kings Church. Three Kings Church. It's very famous. So it's haunted. It's on the top of the hill, like. So guys, यहाँ पे एक चर्च है, यहाँ पे हिल टॉप पे, जिसका नाम है Three Kings Church, जो एक haunted place है. Evening time कोई नहीं जाता. यहाँ पे 6 बजे के बाद आपको allowed नहीं है जाना. Is it not allowed or nobody goes there? Nobody goes there. Even the feast is done there, yearly feast, but in the evening time, before 6, everything is wrapped up. So before 6, you will have to wrap up. You will have to leave from that place. This is the road, like. So this is the road which is going towards that church, Three Kings Church. So guys, agar aap aa rahe hain, if you want real Goa, if you want to have the real fun of Goa, I think you should visit South Goa for sure. Don't go to North Goa. Ek baar aap South Goa aake dekhiye. Jo hum Goa Goa kehte hain na South. And one thing I want to tell you, ke South Goa is little expensive over North Goa. बिकॉज साउथ गोवा का जो डेवलपमेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो जितने भी आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जनरली आपको 20 प्रॉपर्टीज मिलेंगी, और प्रॉपर्टीज बहुत बड़ी हैं यहाँ पे, लैविश प्रॉपर्टीज हैं, बिग साइज प्रॉपर्टीज. लेकिन जो नॉर्थ गोवा में प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, अगर बड़ी प्रॉपर्टी आप देखते हैं देन इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव. और छोटी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो वो आपको थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी. लेकिन हम इंडियंस का जो माइंडसेट गोवा को लेके बना हुआ है, वो यही बना हुआ है कि गोवा का मतलब है दारू पीना और डिस्को जाना और उसके बाद कैसीनो जाना. बट दैट इज नॉट गोवा. दिस इज गोवा. थ्री किंग्स चर्च ऑन द टॉप. सो किंग चर्च इज देयर ऑन द टॉप. सो गाइस, दिस इज गोवा. भूतनाथ का पूरा शूटिंग हुआ था. भूतनाथ की भी यहीं पे शूटिंग हुई थी गाइस. वो देखिए, वो टॉप पे है किंग चर्च. द रेड बिल्डिंग, राइट? या रेड बिल्डिंग. इफ यू कैन सी गाइस, रेड बिल्डिंग है एक छोटी सी. दैट इज द चर्च. Roads are tiny here. Both, not so broad. So roads are very tiny here. But good road. The construction of the road is very good. Even after original Portuguese house, where you can see the original Portuguese thing. So guys, this is the original Portuguese house. The blue one you can see. This one. Then this one. You can see this one also. This is again the original Portuguese house. ऐसे होते थे Portuguese house. तो अभी यहाँ पे कौन रह रहा है? पोर्तुगीज हाउस में जनरली क्या होता है, जो विंडोज बनी है वो शेल वर्क से बनी हुई है. एंड इवन द फ्लोरिंग इज वुड एंड द टॉप पार्ट इज वुड. नो नीड ऑफ एसी.
Okay, the flooring is also wood and the ceiling is also wood. Yes. So because of that, you don't need air condition in the house. So they have constructed the house in such a fashion कि आपको गर्मियों में भी एसी की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं. So guys, trust me, real Goa is South Goa. आप कहाँ रहते हैं शैलेश जी? मैं इधर एयरपोर्ट के पास. अच्छा, एयरपोर्ट सेंटर गोवा में पड़ता है ना? नो, इट इज एंड पार्ट ऑफ गोवा. आफ्टर दैट एयरपोर्ट इट इज जस्ट वाटर. देयर अंटार्कटिका का बेस है एनआईओ. देन देयर इज अ हार्बर व्हिच इज कॉल्ड मर्मगांव पोर्टस, एमपीटी इन शॉर्ट. ओके, सो जापानीज गार्डन बोलते हैं जो बोलते हैं ना. एक पिक्चर शाहरुख खान का हुआ था, कभी हाँ कभी ना, वही उधर ही हुआ था शूट. सो दिस इज वन ऑफ द रेलवे स्टेशन क्लोज बाय, इट इज कॉल्ड कांसावली. दिस एरिया इज कॉल्ड कांसावली. तो गाइस, अभी हम कांसावली में हैं. कांसावली, कांसावली यहाँ पे क्या रेलवे स्टेशन है? सो देयर इज अ रेलवे स्टेशन देयर. सो दिस इज मोस्टली कैथलिक ओरिएंटेड प्लेस एंड दिस तालुका इज नोन एज सालसे. सो गाइस, दिस इज कैथलिक ओरिएंटेड प्लेस. यू कैन सी चर्च देयर, एवरीवेयर चर्चेस यू कैन सी. सो यू कैन सी लॉट ऑफ चर्चेस देयर. कैथलिक, 80% of the population in South Goa is Catholic. And what about North Goa? North Goa Hindu, you can feel more like. So North Goa you will feel more of Hindu, and in South Goa you will feel it's a pure Catholic place. 80% of the population is Catholic. So this is the health center of Kansavli. This is nice, the health region. Center of Kansavli, basically hospital, right? Yeah, small health center, not a big hospital. So guys, मौसम हो रहा है बहुत सुहावना. मन कर रहा उधर से सर दो बीए लगाई जाए, लेकिन मैं लगा नहीं सकता क्योंकि मेरे को इवेंट में जाना है, विच इज अ वेरी फॉर्मल इवेंट. हाँ, बट शाम को तो पीनी पड़ेगी. सो गाइस, जो हमारी इंफॉर्मेशन है गोवा को लेके, दैट इज़ वेरी लिमिटेड, बिकॉज अभी शैलेश जी ने आपको इतना कुछ बताया गोवा के बारे में, और मैंने भी आपको बोला है, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि साउथ गोवा इज द प्लेस वेयर यू शुड विजिट. और नॉर्थ गोवा अगर आपको हैपनिंग लाइफ चाहिए बिल्कुल ऑन द टोज, क्लब कैसिनोज, देन यू शुड विजिट नॉर्थ गोवा. अदरवाइज साउथ गोवा. अगर आपको ऑफिस की लाइफ से बाहर आना है, कोविड की सिचुएशन से बाहर आना, जो आपको लगता है कोविड में हमारा जो माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, वी वॉन्ट सम पीस नाउ, मेंटल पीस, वो आपको साउथ गोवा में मिलने वाली है. तो आप ज़रूर साउथ गोवा एक बार, ज़रूर मेरे कहने पर एक बार आप विजिट करिए. अगर आप नहीं रहना चाहते, if you don't want to explore south goa, you just want to visit, you don't want to stay there, aap gaadi le sakte hain. Yahan pe gaadi bahut sasti mil jati hai. You can hire whatever car you want, bike, car, scooty, whatever you want, you can take it. Aur jo thar hai, last time maine li thi, I think I paid 2000 per night, plus usme diesel aapka hota hai. Aisi jo scooty hai, scooty kitne mein mil jati hai? It is like an if it is not so much festive, then it is 300 normal charges. 300 में आपको स्कूटी मिल जाती है. So if you are coming as a couple, but if you are coming in weekend and is very like more demand, so you go to 300-400. New Year के time it goes to 600-700 rupees. Okay, so generally on an average you get scooty or in 300-400 rupees. Yeah, definitely. You will have to fill up your petrol, जो भी आप जितना भी आप drive करना चाहते हैं. They keep your license, license रखते हैं ना? Deposit for 5,000. They keep your license plus they take a deposit of 5,000 rupees, which is refundable. Yeah. और license के नाम पे वो एक, because Goa में क्या है, you don't need license, you need that slip जो वो आपको देते हैं, because this is, I think this is legally allowed in Goa that they keep your their no, the license. Nowadays it is, they keep the license, but instead you can give the Aadhaar card or election, whatever it is. Anything which is address. Okay, so you can keep your license with you, and in instead of depositing license, you can give Aadhaar card or voter ID card, whatever they ask for, plus a deposit amount, security amount. So guys, हम इस time पे railway crossing पे, ये train जा रही है उधर से.